हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि क्या आपके पर्सन ने मूव ऑन कर लिया है और आपको क्या करना चाहिए। सो रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। हो सकता है कुछ रीडिंग आपसे रेजोनेट करे और कुछ रीडिंग आपसे रेजोनेट ना करे। सो जो रीडिंग आपसे रेजोनेट करे उसे ले से कहा, सो नहीं होता उसे इग्नोर करें। और टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं जब भी ये रीडिंग आपके सामने शो होती है। ओके, सो चलिए रीडिंग पर फोकस करते हैं। आप अपने पर्सन पर फोकस कीजिए, गॉड से प्रे कीजिए कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे। और हमेशा की तरह कहना चाहूँगी, अपने इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सो रीडिंग ऑल साइंस है, ठीक है। क्या आपकी पर्सन ने मूव ऑन कर लिया है? आप सभी के लिए है रीडिंग। ओके, क्या उन्होंने मूव ऑन कर लिया है? क्या है आपके पर्सन की एनर्जी? क्या उन्होंने मूव ऑन कर लिया है? ओके, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, सेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एम्प्रेस। गाइस यस, मुझे इस पर्सन के लाइफ में कोई और दिखाई दे रहा है, तो चांसेस है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन कहीं और डील कर रहे हैं, कहीं और इन्वॉल्व हैं, चांसेस है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में और कोई है, ठीक है। भले आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मन मुटाव हो रहा है, आप दोनों सेपरेटेड हो और ये पर्सन आपसे आपको सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, सही से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या तो सही से इनका बिहेवियर सही नहीं है आपके प्रति, ऐसा हो सकता है। बट कुछ लोगों के लिए मुझे यही लग रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में आपके अलावा और कोई नहीं है, ठीक है। हाँ, ये अपनी गलतियों को नहीं मान रहे हैं, बट इस पर्सन ने मूव ऑन नहीं किया है। ये पर्सन आपको देख रहे हैं, आप इनके नज़रों में एक इम्प्रेस हो। ओके, एक इम्प्रेस हो जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है इनके लिए, और आप जैसा कोई नहीं है। भले ये पर्सन आपको आपके साथ इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं, या तो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, या जब भी आप इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हो, ये पर्सन आपको सही से ट्रीट नहीं करते। भले इनका एनर्जी ऐसा है, बट मैं आपको बता दूँ, इनको दिल से पता है कि आप कैसे हो, ठीक है, और आपको नहीं खोना चाहते ये। और राइट नाउ इनका एनर्जी, मुझे यही लग रहा है कि ये पर्सन, इनका ना ग्रह नक्षत्र कुछ सही नहीं लग रहा है मुझे, जिसकी वजह से इनका बिहेवियर कुछ ऐसा हो गया है। या तो मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग आप दोनों के बीच इन्वॉल्व हैं, और ये पर्सन की एनर्जी मुझे राइट नाउ कुछ सही नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, या तो ये पर्सन आपको सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो चांसेस है कि कुछ तो निगेटिविटी है इनके लाइफ में, बट इस पर्सन ने मूव ऑन नहीं किया है। और अगर आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है, जैसे कि ये पर्सन ऑलरेडी कहीं और इन्वॉल्व हैं, और ये पर्सन मैरिड हैं, या तो आप मैरिड हो, फिर भी ये पर्सन ने आपको भूला नहीं है, ठीक है, और अभी भी ये पर्सन आपको देखते हैं एक इम्प्रेस की तरह ही देखते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। और इनको ऐसा लगता है कि आप जिनके भी लाइफ में रहोगे, उनके लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ है, ठीक है। आपको एक लकी भी मानते हैं, काफ़ी ज़्यादा लकी मानते हैं ये पर्सन अपने लिए। भले इस पर्सन ने आपको बताया है नहीं बताया है, बट मुझे लग रहा है कि जब आप दोनों साथ में थे, तो इस पर्सन ने कभी आपसे कहा है कि आप लकी रहे हो इनके लिए। ओके, और ये पर्सन ऐसा मानते हैं, तो नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि इस पर्सन ने मूव ऑन किया है। ये पर्सन अभी भी आपको वॉच करते हैं। ओके, भले इस पर्सन ने खुद ही दूरियां क्रिएट की है, भले ये पर्सन खुद से ही बातचीत नहीं कर रहे हैं, या जब भी आप करने जाते हो सही से ट्रीट नहीं करते, बट इन्होंने मूव ऑन नहीं किया है। ये पर्सन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, या तो इनमें से आपका साइन हो सकता है। क्या आपके पर्सन ने मूव ऑन कर लिया है? और देखते हैं, ठीक है। जजमेंट, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, क्या इन्होंने मूव ऑन कर लिया है? ओके, एक बात मैं आपको बता दूं, आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा है कि ये पर्सन चाहकर भी आपसे दूर नहीं हो सकते, ठीक है।
और मुझे लग रहा है कि यस इन्होंने कोशिश की थी आपसे मूव ऑन करने की, ओके और ये कहीं और भी इन्वॉल्व हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, बट ये पर्सन ने टोटली आपसे मूव ऑन नहीं किया है, टोटली कट ऑफ नहीं किया है आपको, ये अभी भी आपसे टच में हैं, आपके टच में हैं, आपको सोचते हैं, आपको वॉच करते हैं, आपको देखते हैं, और मुझे लग रहा है कि यस हाँ इन्होंने कोशिशें की है, काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की है, हज़ार कोशिश की है कि ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर ले। अगर ये पर्सन कहीं और इन्वॉल्व है, जैसे कि पर्सन ऑलरेडी कहीं और मैरिड हैं, तो इन्होंने कोशिश की है कि इनका पूरा फोकस उन पर रहे, उनकी वाइफ, उनके हस्बैंड पर रहे, या तो इनकी लाइफ में कोई और है तो उन पर रहे, बट ये अभी भी आपके बारे में सोचते हैं और इनको समझ नहीं आ रहा कि क्यों ये पर्सन इतना ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, क्यों आप इनके दिलो दिमाग में रहते हो, क्यों ये पर्सन आपको इतना मिस करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इनकी लाइफ में कोई और है तो ये उनमें आपको देखने लगते हैं, कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि आप हो, ठीक है आप समझ रहे हो ना, जैसे कि अगर ये कहीं और मैरिड हैं या तो कोई और पर्सन इनकी लाइफ में है तो उनके करीब जाते हैं तो ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, आपको मिस करने लग जाते हैं, जिसके वजह से इन दोनों के बीच कुछ तो खटपट चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये मायूस हैं, ओके अपने लाइफ में मायूस दिखाई दे रहे हैं, भले ये पर्सन ने कहीं और मैरिज कर ली है बट ये पर्सन खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, भले ये पर्सन ऐसे दिखा रहे हैं कि सब कुछ सही है, सही चल रहा है इनकी लाइफ में और सही करने की कोशिश भी करते हैं, ओके बट नहीं हो पा रहा है, इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं हो पा रहा है और इनको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ सही नहीं हुआ है, यूनिवर्स ने इनके साथ सही नहीं किया है। कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि क्यों हुआ आप दोनों का ब्रेकअप, क्यों हुआ आप दोनों का सेपरेशन, क्यों हुए आप इस पर्सन से दूर, जब आप दोनों को एक ही नहीं होना था, जब आप दोनों को सक्सेस नहीं मिलना था, तो क्यों ये सब आप दोनों के बीच हुआ। इनको ऐसा लगता था कि डेस्टिनी ने, किस्मत ने इनके साथ सही नहीं किया है, यूनिवर्स ने इनके साथ सही नहीं किया है, इनको ऐसा लगता है कि इनका सिचुएशन ही ऐसा हो गया था कि ये पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया या आपसे दूर गया और अब ये पर्सन खुश नहीं है। मजिशियन, ये कार्ड मैंने आपके लिए सोच कर निकाला था, यहाँ पर आया है फोर ऑफ वॉन्ड्स, क्या कहूँ फिर मैं आपको, आपने खुद ही समझ लिया होगा। जी हाँ, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या तो आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये काफ़ी ज़्यादा आपको पॉजिटिव होकर सोच रहे हैं, ठीक है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होकर सोच रहे हैं और भले इस पर्सन को मैनिफेस्टेशन क्या होता है इनको नहीं पता, मुझे नहीं लग रहा है कि इस पर्सन को पता है, अगर पता होता तो ये इस एनर्जी में नहीं होते, ये पर्सन आपको ऐसे ट्रीट नहीं करते, ओके आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, आप दोनों डेस्टाइंड पर्सन भी हो सकते हो, ठीक है जिस वजह से ये पर्सन चाहकर भी आपसे दूर नहीं जा सकते, ठीक है चाहकर भी आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते, ये मुझे लग रहा है क्योंकि इस पर्सन ने कोशिश की है, ऑलरेडी इस पर्सन ने कोशिश की है और अब इनकी एनर्जी ये है कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जाने अनजाने में ही सही बट ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि कभी इस पर्सन ने मैरिज के लिए आपके साथ सोचा था या तो अभी सोच रहे हैं कुछ लोगों के लिए, अगर ये कहीं और इन्वॉल्व नहीं है तो ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन इसलिए मायूस है क्योंकि ये मैरिड हैं या तो आप मैरिड हो और अब आप दोनों का कुछ नहीं हो सकता, इसलिए ये पर्सन मायूस है। और अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है, आप नहीं हो, तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं मैरिज के लिए, सबकी मर्जी से ये पर्सन मैरिज करना चाहते हैं आपसे। अगर आप दोनों के बीच फैमिली है थर्ड पार्टी, इनकी मदर, इनके फादर, इनका फैमिली है थर्ड पार्टी, तो ये पर्सन सबकी मर्जी से आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी है और ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यस अब आपको दिख रहा है, एक कार्ड और निकालना चाहूंगी, आपके पर्सन का अगला कदम क्या होगा। क्या ये पर्सन कभी आपके लिए स्टैंड लेंगे, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। गाइस आपके पर्सन काफी ज्यादा इगोइस्टिक पर्सन है, अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं, ओके गलतियां सिर्फ आपसे नहीं हुए है या तो इनसे नहीं हुए है, आप दोनों से ही हुआ है, ठीक है और हो सकता है कि आपके पर्सन की तरफ से ज़्यादा गलतियां हुई है, ठीक है
और हाँ इनमें ईगो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर इम्प्रेस का कार्ड आया है, ईगो काफ़ी ज़्यादा है इनमें और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, और कुछ लोग के लिए ये पर्सन अपने ईगो की वजह से, ठीक है। तो मुझे कुछ टाइम के लिए ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई एक्शन एनर्जी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये पर्सन इतनी जल्दी कोई एक्शन लेने वाले हैं, कोई स्टैंड लेने वाले हैं। हाँ आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं, बट एक्शन एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही इनके तरफ से। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स देख सकते हैं, खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, ओके। जहाँ इनको लगता है कि आपके पास साथ आना चाहिए, आपसे बातचीत करना चाहिए, सबको शॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, बट अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, ओके। इनको भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है कि आपसे बातचीत नहीं हो पा रही है, अगर आप दोनों के बीच काफ़ी लंबे अरसे से बातचीत नहीं हुई है, काफ़ी वक्त हो गया आप दोनों को बातचीत किए हुए, ठीक है, मिले हुए, तो इनको भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, बट ये पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, मुझे यही लग रहा है। मुझे नहीं, मुझे कुछ एक्शन एनर्जी नहीं दिखाई दे रहा है कुछ समय के लिए। 10 वीक्स, 10 डेज या तो 10 आवर्स, मुझे कोई एक्शन एनर्जी नहीं दिखाई दे रहा है इनकी तरफ से। साइंस बता देती हूँ आप लोग को, यहाँ पर एरिस, लियो, सजिटेरियस काफ़ी ज़्यादा है, टॉरस है, जेमिनाई है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस भी है कुछ लोगों के लिए। आपके लिए साईं बाबा की तरफ से मैसेज देखते हैं, साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको राइट नाउ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या है साईं बाबा का मैसेज आपके लिए? विपुलता, जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। वाह, आपके लिए गुड न्यूज़ है, पूरा यूनिवर्स आपका साथ है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है और आपको गिफ्ट मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से बहुत ही जल्दी, तो खुश हो जाइए। मुझे लग रहा है ये मैजिशियन का कार्ड कुछ लोगों के लिए आपके लिए आया है, ठीक है। यूनिवर्स चाहते हैं कि जो आप चाहते हो वो आप अपने लाइफ में बिल्कुल पा सकते हो, बट मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, अगर आप निगेटिव एनर्जी में हो तो कैसे आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो वर्क कैसे करेगा अगर आप निगेटिव एनर्जी में हो तो। तो अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव होना है, ठीक है। आप खुद को हील कीजिए, जब तक आप हील नहीं होंगे ये सब चीज़ें वर्क नहीं करेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या तो मैनिफेस्टेशन, जो कुछ भी आप कर रहे हो उसको सही से कीजिए, ओके। आप पॉजिटिव होकर कीजिए, ऐसा मत सोचिए कि चलो करके देखते हैं होता है कि नहीं, या अगर आप कर रहे हो, ठीक है, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो आपको सरेंडर करना है। जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे तब तक कैसे आपको वो आप पाओगे जो आप चाहते हो। तो यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए ये है कि आप बहुत ही जल्दी विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे, आपको गिफ्ट मिलने वाला है। सो कुछ लोग के लिए तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, आपने खुद को हील कर लिया है और आप मैनिफेस्टेशन अच्छे से कर रहे हो, सही से कर रहे हो, जो कि वर्क कर रहा है और आपको गिफ्ट मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। सो गाइस, ये रही आपकी रीडिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, बाय, टेक केयर।